45 डिग्री दा तापमान उत्तो 48 घंटे तो लगे बिजली दे कट्टा ने लोकां दा पारा सिखरां ते चाड़ दिता, जिस कारण गर्मी च परेशान होए लोकां ने चौंक दे विचकार ही धरना लगा दिता ते जाम लगा दिता, जिस कारण राहगीरां नूं वी परेशानी दा सामना करना पिया। उत्थे ही धरना प्रदर्शन करन वाले लोकां ने प्रशासन खिलाफ जम के नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि जिन्होंने वोटां लैनियां ने वह एसी कमरियां च बैठे ने, ते जिन्होंने वोटां देनियां ने वह इस तपदी गर्मी दे विच बिजली दे कट्टां दी मार चल रहे ने, जिस कारण उन्होंने रोजमर्रा के कम्मां ते असर पै रहा है। छोटे छोटे बच्चे गर्मी दे विच परेशान ने, जिन्होंने कम्मां कारां ते जाना है उन्होंने परेशानियों का सामना करना पै रहा। लोगों का कहना है कि उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों नूं वार वार दस्या है कि हल कढ़िया जाए, पर कोई हल नहीं कढ़िया गया, जिस कारण लोगों ने पुलिस कोल बिजली विभाग के अधिकारियों खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। तो लोगों ने चेतावनी भी दी है कि जे अजिहा ही रहा तो वह वोटां लई बूथ भी नहीं लगन देणगे। हालांकि बाद दे विच पुलिस विभाग अते बिजली विभाग के अधिकारियों के भरोसे तो बाद धरने नूं चुक दिता गया। मामला चखरी दादरी तो सामने आया। इस दौरान गुस्से च आए लोग बिजली विभाग के अधिकारियों नाल उलझदे भी सामने आए ने। झाड़ चौक पे लगातार दो दिन से पिछले केबल खराब होने की शिकायतें थी और ओवरलोड सिस्टम था, इसकी वजह से एक नया ट्रांसफॉर्मर प्रपोज किया 100 केवी का। आज वो ट्रांसफॉर्मर लगा दिया जाएगा और जो केबल डैमेज है उसके जगह नई केबल लगा दी जाएगी। दादरी शहर में लगभग लगभग बिजली की कटिंग होती कट लगते हैं, लेकिन क्या जाम लगा के ही सॉल्यूशन किया जा सकता है? सॉल्यूशन कल ही इस चीज का कर दिया गया था, एरिया इंचार्ज ने साइट चेक करके ट्रांसफॉर्मर प्रपोज कर दिया गया था, अब स्टोर से निकल के काम शुरू कर दिया जाएगा। पुरानी केबल यहाँ जितनी है वो सारी हटके आरडीएसएस स्कीम है, एक उसमें सर्वे हो चुका है, ये सारी केबलें बदली भी जाएंगी आरडीएसएस स्कीम के तहत, पर जो इमरजेंसी की केबल्स है उसको हम बदलवा रहे हैं। इतनी गर्मी के कारण क्या पहले इसका समाधान नहीं हो सकता था? क्योंकि ये तो पहले से ही आरडीएसएस का आरडीएसएस जो स्कीम है उसका सर्वे करके पहले ही दिया जा चुका है, पर उसका काम इलेक्शंस के बाद शुरू होना है। वर्क ऑर्डर उसका टेंडर लॉक होना था, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट में उसका वर्क ऑर्डर नहीं किया जा सकता था, इस वजह से वो डिले। ये तीन दिन से सभी ने पंचकुला दादरी बिजली बोर्ड एक्शन ऑफिस एसडी ऑफिस और पंचकुला हेडक्वार्टर पे सब ने एप्लीकेशन दे रखी है। 6001 6005 6007 ये कंप्लेंट नंबर है, ये कंप्लेंट नंबर है। और इन कंप्लेंट होने के बाद आज इंतजार करके छोटे छोटे बच्चों के बिल बिलाते हुए देखकर लोगों ने घर छोड़कर रोड पे जाम पे लगा दिया है। और ये जाम इसलिए लगा है कि काम शुरू करवा दो। आज 48 घंटे हो गए लाइट नहीं है पूरे दादी शहर में। यहाँ पर एसडीओ साहब आए, हमने एसडीओ साहब से कहा एसडीओ साहब आपकी पावर हो तो जाम खोल दे। एसडीओ साहब कह रहा मेरी पावर नहीं है, एकदम से एक्शन लेनी, तो हम कह रहे हैं एससी को बुला दो। अगर ये कदम है एक घंटे के अंदर समाधान नहीं आया तो यहाँ पर दो बूथ पड़ते हैं वोटिंग बूथ, इन पे हमें ताला लगाएंगे, वोटिंग नहीं होने देंगे। साहब ये एक्शन की गाड़ी है, यहाँ दादरी की जनता खड़ी है। 48 घंटा हो गया भाई, 48 घंटा हो गया, जितना जाता सबूत से इन्वर्टर फेल हो गया, सोलर लाइट फेल होगी, न्यू लगा लो छोटे छोटे, कई बार तो बीमार भी हो गए या गर्मी रही है, मच्छर है और ऊपर पानी चढ़ता है मोटर से, लोग टैंकरों से 500 500 600 600 रुपए दे पानी चढ़वा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ सिस्टम की गलती है, सरकार से लेकर अधिकारी तक भ्रष्ट है और बिजली बोर्ड मैन चोर है, क्योंकि यह केबल लगा दी ना, ये राजस्थान तो उतरेड़ी केबल उड़ा लगा दी ना, हरियाणा ने भुगतनी पड़ रही है। जब मैंने को हूँ दादरी का एसडीओ है, बिजली का एसी गाड़ी में आया, एसी रूम में आता लिखे, इनकी बिजली ना कटा, जनता की बिजली कटा है, ये तो एसी में बैठे हैं, जो वोट गिरेगी जो जनता चुनेगी वह हम गर्मी में मरे है, पानी का बेसरा है उसका बेसरा। अरे भाई है पुलिस है, पुलिस तो हमारी है कैसे शिकायत से, पुलिस से हम ये कह रहे हैं हमारी एफ आई आर ले लो, अरे इन बिजली महकमा वाला खिलाफ एफ आई आर लॉन्च कर दे, इन हमारी इग्नोर करी, इन ड्यूटी का उल्लंघन कराया।